आज 29th ऑफ सेप्टेम्बर और मैं किचन में सुबह सुबह क्योंकि बनाना है नाश्ता तो आज बनाने वाली हूँ आलू कचालू। बेटा कहाँ गए थे आलू कचालू? तो पहली बार बनाऊंगी, चलो खाएंगे। मस्त मौसम बारिश वाला है, सुहाना सुहाना आलू कचालू खाएंगे, मजा आएगा चाय के साथ। तो आलू बॉयल करने के लिए रख दिया मैंने। पहले आलू को ना ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, मतलब 70% तक बॉयल करना है। ये तो ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो वो पूरा मैश हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। तो मैं सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी बस। तो गाइस आज है संडे और मैंने चम्पी किया था कल क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मेडिसिन भी खाया था। और चलो फिर अभी हम लोग तैयारी कर लेते कचालू बनाने की। तो गाइस मैं आ गई किचन में। अब यहाँ पर मैं लहसुन मिर्ची ये सब कट करूँगी और ये सब कट करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी आलू कचालू। और यहाँ पे मेरी चाय भी बॉईल हो रही है और फिर तब तक दूध भी आ गया था। ये बाबू का दूध है, गाय का। बाबू गाय का दूध पीता है तो उसका गाय का दूध आ गया था। तो जो भी दूध आता है ना मतलब हम सब छान के उसको गर्म करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जो शंका होती है मन में वो क्लियर हो जाता है। और छानना ही चाहिए, सबको ही छान के ही करना चाहिए। और फिर यहाँ पे ये ना छन्नी जो गिर गया था मेरा थोड़ा सा, तो जल्दी से मैंने पकड़ लिया, तो मतलब पलटा नहीं था तो ओके ओके कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फिर यहाँ पे घर में दूध गर्म होगा, यहाँ पे चाय भी बॉयल हो गया है। मैं यहाँ पे लहसुन छिल के थोड़ी मिर्ची ले लूँगी और वो भी अच्छे से ना एकदम बहुत बारीक बारीक से कट करना है उसको, तभी खाने में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दो चीजें मैंने रेडी रखा है, ऐसे बारीक बारीक पतला पतला काट के रख लेना है। नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते कर दो। तो अभी हम लोग आलू छीलेंगे। आलू देखती हूँ ज्यादा कच्चा पक्का तो नहीं हो गया। चलो देखती हूँ, दिखाती हूँ। भाई गिरने वाला था। तो हमारा आलू कुछ ऐसा हुआ है ऐसे ना बेटा। चलो बुआ को, अरे बेटा मेरा तो गाइस यहाँ पे बाबू आ गया था और बाबू बोलते हैं मुझे गोदी उठा लो। फिर मैंने उसको गोदी उठा लिया और कुकर तो मैंने खोल दिया था ऑलरेडी। और फिर इसमें सारे जो आलू थे वो मैं निकाल रही हूँ। और ये देख लो गाइस इतना आलू पकाना है इसको, ज्यादा नहीं पकाना है, जैसे कि चोखा बन जाए वैसा नहीं करना है। तो 60-70% इसको पकाना है। और फिर अब इसको मैं निकाल के फिर थोड़ा पानी ठंडा पानी डालूंगी, मतलब नॉर्मल ठंडा पानी, और फिर इसको छीलूंगी। तो ये छील लिया है, छीलने के बाद फिर इसको ऐसे कट करना है चार चार टुकड़े में, ज़्यादा बड़ा है तो 6 टुकड़े कीजिए। और ये एक दूसरे को टच नहीं होंगे क्योंकि ना फुल कुक नहीं किया है इसको, थोड़ा सा मतलब 60-70% तक ही कुक किया है तो ये मैश नहीं होगा। तो ऐसे अच्छे से कट कर लेना है और जब कढ़ाई में हम इनको फ्राई करेंगे तो वो एक दूसरे को चिपकेगा नहीं। तो मैं बताते हुए देखो कट हो गया है। तो अब हम इसको साइड में रख दिया है मैंने, थोड़ा और भी वो ड्राई हो जाएगा, मीन्स गीला नहीं रहेगा, जो भी थोड़ा बहुत वेट रहेगा ना वो सूख जाएगा। फिर हम यहाँ पे पीस लेंगे थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा, और अगर आपके पास लाल मिर्च रहता है ना तीखा वाला वो रहे तो उसको भी 2-3 भून लें यहाँ पे। और दोनों को मिक्स करके हल्का सा रोस्ट करके इसको पीस लें, ये इसका फ्लेवर ना आपको चार चांद लगा देगा आपके आलू कचालू में। तो फिर वही मैं इसको हल्का सा भून के फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा मिक्सर में, ड्राई ग्राइंड करना है इसको, पाउडर बना लेना है इसको। और फिर पाउडर बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या है जो है ना ऐड करना है आलू कचालू में। ये पीस के देखो इतना बारीक पीस लेना है। इसमें हम यूज़ करेंगे सरसों का तेल, राई का तेल, हम लोग राई का ही तेल खाते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन और मिर्ची और थोड़ा सा हींग डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत मस्त लगेगा। और इसके बाद लहसुन और मिर्ची को हल्का सा इसको भून लेंगे, हल्का सा, बहुत मतलब
10 सेकंड भी नहीं करना, 5 सेकंड तक उसको भुनना है। पर ये ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद, और फिर देखो ये दोनों मैंने एक साथ में ऐड कर दिया ताकि ये जले नहीं, ना मिर्ची जले ना लहसुन जले। फिर लहसुन नहीं ऐड करना है तो लहसुन जल जाएगा। इसको हल्का सा दो मतलब 3-4 सेकंड इसको ऐसे बस इसको हिला देना है। और फिर उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे आलू, और आलू को अच्छे से बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जब तक आलू थोड़े लाल लाल से नहीं दिखे तब तक फ्राई करना है। और फिर फ्राई करने के बाद हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे वो बताऊंगी। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाबू मुझे देख देख के स्माइल कर रहा है। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और ये जो हमने पाउडर बनाया था वो ऐड करना है। और फिर एकदम एक पिंच ना इसमें गरम मसाला ऐड करना। और फिर इसमें डालना है मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा है वो है क्या बोलते हैं आमचूर पाउडर, ये है आमचूर पाउडर। और सॉल्ट जो डालना है, नमक जो हमको डालना है ना, ये नमक ही डाल दूँ मैं। इसके बाद में आमचूर पाउडर डाला मैंने। नमक हमें यूज़ करना है सेंधा नमक, फिर हम लोग सेंधा नमक ही खाते हैं घर पे ज़्यादातर तो, और वाइट वाला नमक भी खाते हैं बट महीने में एक दो बार, क्योंकि आयोडीन की कमी भी बॉडी में नहीं होना चाहिए, इसलिए आयोडीन वाइट नमक का भी जो कंजम्पशन है हमारी लाइफ में रहना चाहिए। ये देखो गाइस इतने अच्छे से नीचे देखो फ्राई फ्राई दिख रहा है ना, रेड रेड, तो ये अच्छे से बहुत फ्राई हो गया है। और फिर इसके बाद हम लोग लास्ट में 2-4 मिनट और पका लेते हैं, फिर लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। और गाइस खाने में जो मज़ा आएगा ना आपको पूछो मत, में तो बहुत मस्त खाई सुबह सुबह चाय के साथ आलू का तरू। और ये मैंने धनिया ऐड कर दिया है। बाबू कुछ तो मांग रहा है, अच्छा लैपटॉप मांग रहा है भाई का मेरे, बाबू इधर आओ इधर आओ। और ये हमारा आलू कच्चा रू रेडी हो गया, आला कच्चा रहा, मेरा ध्यान यहाँ बट गया ना, तो आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए आलू कच्चा रू। आप लोग क्या बोलते हैं इसको बताना मुझे कमेंट करके। लाइट खत गई है इधर गैलरी। हेलो ये आलू कच्चा रू, आलू का चालू बेटा नहा रहे थे। गुड गर्ल गुड गर्ल। बाबू भी आ रहा है क्या उधर से? बाबू लगता है बाबू आ रहा है। इधर इधर बुआ इधर है, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया ना, वहाँ के आ गया मोबाइल लेके दीदी का। पीजो बेटा जल्दी मार दीजिए जाइए, पियो तो दूध। आप पी लो पहले। हाँ उसको छुओ नहीं गिर जाता है। देखो ये दूध नहीं पी रही है और ये रो रहा है उसके पास आने के लिए। जल्दी पियो जल्दी, पी रही। 1-2-3 गाइस देखो एक मिनट में खत्म कर दूंगी। 1-2-3 गाइस फिर मेरा मन हुआ थोड़ा सा पीने का। बहुत अच्छा लगता है, मेरी चीनी इसलिए नहीं छुट पा रही है सिर्फ चाय की वजह से। तो देखती हूँ गुड़ लाना है मुझे, ये गुड़ तो कुछ नहीं, गुड़ पाउडर लेके मुझे अभी पाउडर आता ना वो लाती हूँ देखती हूँ। मैं अभी लाई गई थी कुछ 1.5 घंटा रहूँगी, लेकिन कुछ कुछ अनवांटेड लोग आ जाते हैं ना, ये बोलते रहते हैं, मतलब इनको लगता है सर लाइव में ब्लॉग में सर धस के रहने का क्या, दिन भर कोई सर धस के रहता है क्या, तो फिर कैसा रियल ब्लॉगिंग ब्लॉगर हुआ, नहीं हुआ ना फिर पागल लोग। कोई बात नहीं, चलो अब मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करूँगी, फिर हेयर वॉश करने के बाद इसको ड्राई करूँगी, फिर कलर लगाऊँगी, फिर हेयर वॉश करूँगी। अभी टाइम क्या हो गया है, 11:20 हो गया है। मिलती हूँ मैं बाद में, बाय बाय। तो गाइस हेयर वॉश कर लिया, ड्रायर मार दिया ड्राई करने के लिए, अभी थोड़ा सा और ऐसी रखती हूँ ना, फिर कलर लगाऊँगी। लाइट ऑफ है, नेचुरल लाइट में विंडो ओपन किया मैंने। नहीं बहुत ड्राई हो रहा है यहाँ पे, सब स्किन ना चढ़ जा रही है, जल्दी से जल्दी। हेलो सर्दी से बहुत पानी निकलता है ना आँख में से, एसी नहीं लगता है, इसमें भी हो रहा। अब मुझे ज़्यादा तो सर्दी रहती है ना एलर्जी वाले, इसलिए चलो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। मेरा हेयर कलर हो गया और टाइम हो गया 12:30 बज गया, अब मैं चल रही हूँ, 1 बजे खाना खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, मिलती हूँ मैं कुछ टाइम में। ओके बाय बाय। ये मेरा लंच, आलू गोभी की भुजिया और भिंडी की भुजिया, दाल, एक रोटी, धनिया पुदीना की चटनी, राइस। अब मेरा भाई बोलेगा मेरे को भी खाना दे, ऐसा बोलेगा, देख रहा है झांक रहा है मेरा खाना को, नज़र लगा रहा है। अब मैं चलती हूँ खाना खाने, फिर मिलेंगे हम किस नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना।